भाई मियां ढूंढना आजकल बहुत महंगा हो गया, आपको पता है बहुत। अदाकारा यशमा गिल के मन में भी शादी का लड्डू फूटने लगा। जी हाँ, अदाकारा ने भी शादी करने की ठान ली। उनको एक खुबरू नौजवान दुल्हे की तलाश। अदाकारा यशमा गिल ने हाल ही में मजाहिया प्रोग्राम मुजाकरात में शिरकत की। अदाकारा ने इंकशाफ किया, आजकल शोहर ढूंढना बहुत महंगा हो गया है। सुबह 10 से रात 10 बजे तक हम काम कर रहे होते हैं तो मियां ढूंढने का वक्त नहीं है। लेकिन एक दिन मैं सेट पर बैठी हुई थी और मोबाइल फोन पर ऑनलाइन मैरिज ब्यूरो देखना शुरू कर दिया। मैंने ऐसा मजाक में किया था कि क्या पता अच्छा रिश्ता मिल जाए। यशमा ने बताया, मैरिज ब्यूरो ने पहले मेरी तस्दीक करने के लिए वीडियो कॉल की कि मैं वाकई यशमा गिल ही हूँ या नहीं। मैंने सोचा चलो कोई अच्छा रिश्ता मिल जाएगा, कोशिश करने में कोई बुराई नहीं। मैरिज ब्यूरो ने 4 लाख रुपए रजिस्ट्रेशन और रिश्ता होने के बाद मजीद 4 लाख रुपए मुआवजा मांगा, यानी मियां ढूंढने के कुल 8 लाख रुपए मांगे। अब अगर आप खूबसूरत हैं और अदाकारा यशमा गिल को पसंद करते हैं तो उनको अपना रिश्ता भिजवा सकते हैं अपनी जिम्मेदारी पर। मियां ढूंढना आजकल बहुत महंगा हो गया, आपको पता है बहुत अजीब सी बात है। चले मैं शो पे शेयर कर देती हूँ। सुबह 10 से रात 10 बजे तक हम लोग काम कर रहे होते हैं, मियां ढूंढने का टाइम तो है नहीं कोई खास। तो मैंने क्या किया कि मैं सेट पे बैठी हुई थी और मैंने ना ऑनलाइन वो मैरिज ब्यूरोज होते हैं ना, वो मैंने ऐसे ढूंढे। मैंने कहा चलो ऐसे पूछते हैं क्या सीन है, क्या पता कोई अच्छा रिश्ता। मैरिज ब्यूरो वालों ने मुझसे बताऊं कितने पैसे मांगे। पहले तो उन्होंने कहा वीडियो कॉल पे हैं दिखाने के लिए कि आप यशमा गिल हैं या नहीं, पता चले कि एमी कोई स्कैम कर रहा है। उसके बाद मैंने कहा चलो मुझे देख के तो पता नहीं, अपने अंदर अंदर तो मैं पता नहीं क्या अपने आप को पीआर पैकेज में बात बन जाएगी कि हमारी पोस्ट लगा दो। मैंने कहा चलो आ ही जाएंगे ना, कुछ तो आ ही जाएगा। उन्होंने मुझे भाई एक मैसेज भेजा कि 4 लाख रजिस्ट्रेशन के और 4 लाख फिर रिश्ता होने के बाद, तो 8 लाख रुपए मियां ढूंढने के।